हेलो नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो भाई दोबारा से एक और नए ब्लॉग की स्टार्टिंग कर दी है और ये नए साल में अपना तीसरा ब्लॉग होगा। तो भाई आज का सीन ये है कि मेरे भाई को गिफ्ट में मिला है एक बारबेक्यू ग्रिलर, जो आप जानते ही होंगे। वो अभी अनबॉक्स करेंगे, उसका दिखाएंगे। उससे पहले मैं छत पर आया था तो मैं नीचे ऐसे ही झाँक के देख रहा था, तो मैंने ये देखा कि भाई मतलब हमने तो अपनी गाड़ी हटाई दी प्लॉट में से, क्योंकि हमारी गाड़ी पर नुकसान कर दिया सांडों ने अच्छा खासा, तो हमने यहाँ से हटा के बिल्कुल अलग कर दी। अब जिनकी गाड़ी खड़ी है भाई, वो ट्राई ये कर रहे हैं कि जो भी सांड आए उसको बैठने ही न दे यहाँ पे, डायरेक्ट उसको भगा रहे हैं वो डंडे से मार मार के, जो कि आपने देख भी लिया होगा अभी तक क्लिप में। तो भाई नीचे चल के करते हैं अनबॉक्सिंग उस बारबेक्यू ग्रिलर की, और पहले से भी मैंने देख ही लिया पर आपको दिखाऊंगा, आपके साथ शेयर करूंगा उसे, और आने वाले व्लॉग में भाई ज़रूर उस पर कभी चिकन टिक्का या फिर तो ऐसा कभी पनीर टिक्का ऐसा वैसा खाना बना के उस पर खाएंगे। काफ़ी मज़े आने वाले हैं आगे के व्लॉग्स में। अभी चलते हैं उसको अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं अगर आज भी कोई सीन बनता है उस पर कोई पकवान बनाने का, तो वो भी करेंगे आज ही आज में। भाई ये है अपना ग्रिलर और कुछ इस तरीके का दिखता है। अभी इसे बॉक्स से निकाल लेता हूँ, बॉक्स से निकाल के भी दिखाता हूँ आपको ये कैसा दिखता है और इसके साथ में और क्या क्या सामान मिला है मुझे। तो ये देखो भाई, मैंने इसको बॉक्स से निकाल दिया और इसके अंदर इसकी वो सीखे भी हैं जिन पे मतलब पनीर वनीर लगा के सीखते हैं। और ये रहा इसका बॉक्स, इसको ऐसे करके स्लाइड करके खोल सकते हैं हम, ये स्लाइड होके ऐसे खुल जाएगा और इसके अंदर नीचे जाएगा कोयला और इस सीख में पनीर वगैरह रख के ऐसे साइड पर ऐसे रखा जाएगा। रख के दिखा देता हूँ आपको, ये इस तरीके से रख के पांच स्टिक्स हैं इसकी, पांचों में मतलब रख के हम पका सकते हैं और थोड़ी देर बाद फिर बारबेक्यू का मज़ा भी ले सकते हैं। हाँ तो भाई अभी प्लान है मम्मी के साथ मार्केट जाने का, मार्केट जाके मम्मी के साथ थोड़ी मंडी से सब्जी वब्जी खरीद के लानी है और बाकी थोड़ा सा और काम है, वो चलते हैं वो करके आते हैं निपटा के घर पर वापस। ये हम पहुँच गए मंडी में, ये सारी सब्जी फलों की दुकानें हैं और ये देखो साथ में मैं अपने थैला भी लाया हूँ सामान रखने के लिए और स्कूटी यहाँ लगा दी। अब यहाँ से आगे चलते हैं पैदल और वहाँ से जाके सारा सामान खरीद के इस थैले में हाथ के हाथ रखते हैं। और भाई ये देखो, ये है उन समोसे वालों की दुकान जहाँ से मैं मंडी आता हूँ तो ज़रूर ही समोसे लेता हूँ क्योंकि इनका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ से मम्मी आलू ले रही थी तो बगल में ही दुकान थी, फिर मैं इनसे पूछने के लिए गया कि समोसे तैयार हैं कि नहीं, क्योंकि ये अभी तैयार कर रहे थे। समोसे बन गए भैया, टाइम लगेगा अभी कितना? जो कि तैयार नहीं थे तब, और उसने मुझे ये बोला कि आधा घंटा और लगेगा कम से कम इनको तैयार होने में। तो मैंने कहा समोसे छोड़ो और मम्मी के साथ निकल गया और आगे सब्जी खरीदने के लिए, और साथ साथ में सब्जी खरीद के इस थैले में भी रखता रहा। तो थैला भी काफ़ी ज़्यादा काम आया मेरे, काफ़ी ज़्यादा सामान भर दिया था मैंने इसमें एंड तक। एंड देन फिर हम आए फ्रूट्स खरीदने के लिए सब्जी होने के बाद, और यहाँ से मम्मी ने कुछ संतरे वगैरह लिए और मैं साथ साथ व्लॉग भी बनाता रहा। ये देखो भाई, दुनिया भर की शॉपिंग कर ली, कुछ सामान इधर रख दिया और कुछ डिग्गी में रख दिया। दिखाता हूँ डिग्गी भी खोल के आपको मैं। ये देखो, इतना सामान लेने के बाद भी मम्मी को खबर नहीं आया। अभी मम्मी कुछ और थोड़ा सा सामान जो रह गया वो भी लेने के लिए गई है। इतना सामान लेने पर मम्मी को खबर नहीं आया अभी, और हो सकता है एक और बार चक्कर लगे यहाँ पर आने का, क्योंकि थोड़ा सामान रह गया और इतना सामान एक साथ जा नहीं सकता, तो लेने के लिए दोबारा आऊँगा मैं। ये देखो भाई, इतना सारा सामान लेके आए हम मंडी से और अभी हो सकता है एक बार जाना और पड़ जाए। तो बस इस वाले व्लॉग में इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं कल या परसों एक और नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। Baby, I do just wanna be alone with you. Oh, oh, oh.